नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज की वीडियो में हम करने वाले हैं DOE PRT का जो पेपर सॉल्यूशन करेंगे और उसमें हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा पेपर 4 है। इससे पहले हम 3 पेपर सोल्व कर चुके हैं। ये हमारा 6/10/2018 को रहने वाला है। इवनिंग शिफ्ट का है ये पेपर, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वाला। तो इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं 3 पेपर डाल चुका हूँ। जिस बच्चे ने पहले वाले देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। या आप फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी लिखा मिल जाएगा आपको DSSB DOE PRT पेपर सॉल्यूशन, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अगर एक्स 23 की पावर 81 है प्लस 27 की पावर 60 है माइनस 36 की पावर 8 है तो इकाई का अंक बताइए क्या रहेगा। तो देखिए अगर मेरे वाले पहले जिसने भी चैप्टर या सॉल्यूशन देखे हैं तीनों, तो वो आसानी से कर सकता है। तो चलिए फिर भी मैं आप सभी को करवाता हूँ। तो उसने क्या दिया मेरे पास, उसने दिया भाई 23 की पावर कितनी है 81 है प्लस 27 की पावर कितनी है 60 है और माइनस 36 की पावर कितनी है 8 है। इकाई का अंक पूछा है, तो मैंने पहले भी बताया था अगर इकाई का अंक पूछा है तो मैं इकाई का अंक ही उठाऊंगा, पूरी इक्वेशन नहीं उठाऊंगा। दूसरी मैंने चीज़ ये बताई थी, पावर जितनी भी दे रखी है उसको 4 से भाग करेंगे। अगर वह पावर 4 से कंप्लीट भाग हो जाती है तो उसका मतलब है उसकी पावर 4 है। अगर अन्यथा जो 4 से कम जितना भी रिमाइंडर बचता है वह उसकी पावर हो जाती है। मैं 81 को 4 से भाग करके देखता हूँ तो पावर कितनी बच जाती है, 1 बच जाती है। तो 3 की पावर 1 कितना हो गया 1, ठीक है। तो फिर है ये कितना था 27, तो 60 क्या 4 से पूरा भाग होता है, कंप्लीट पूरा भाग होता है। तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि जो पावर कंप्लीट भाग हो जाएगी उसका मतलब है 4, तो इकाई का अंक ही ले रहा हूँ मैं। फिर है 8 क्या पूरा भाग हो जाता है, हाँ पूरा भाग हो जाता है, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर है इकाई का अंक लिखना है, 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा प्लस भाई 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, देखिए 49, फिर 9 को 7 से करूँगा कितना हो जाएगा 63, फिर लास्ट नंबर 3 को फिर 7 से करूँगा कितना हो जाएगा 21, और 21 का मैंने इकाई नंबर लेना है तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है भाई। फिर है 6 की पावर कितनी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा, 6 की पावर आप कितनी भी ले लो तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई, आप इसको सोल्व करके देखोगे तो अगर माइनस में आंसर आता है तो मैं क्या कर दूंगा, जो सबसे आगे नंबर है उसके आगे 1 लगा दूंगा। अगर माइनस में आंसर नहीं आता है तो क्या करूंगा, जो हमारा सोल्व होने के बाद जो भी बचेगा वह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा माइनस में आंसर आ रहा है, -2 आंसर आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो सबसे आगे है उसके आगे 1 लगा दूंगा। तो अब कितने हो गए 13 + 14, 14 में से 6 गया कितना हो गया 8, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका 8, तो देखिए देखते हैं आंसर 8 ही है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम है कि 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की हानि होती है। 30 वस्तुएं बेचने पर मतलब कि SP कितना है 30 है, फिर उसने बोला 2 वस्तुओं के बिक्री मूल्य SP पर ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको कितने का 2 वस्तुओं का, तो CP कितना हो जाएगा, देखिए 30 की बेची 2 का लॉस हुआ इसका मतलब वह 32 की थी, तो टोटल CP कितना हो गया 32 हो गया। तो हानि प्रतिशत बताना है मैंने, तो हानि प्रतिशत कितने का हुआ, प्रतिशत आपको फॉर्मूला पता ही होगा, लॉस अपॉन लॉस कितना CP इंटू 100, तो ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितने पे गया 16 पे, 4 × 16 ये कितने पे गया 25 पे, तो 25/4 इसको आप सोल्व करोगे तो 6.25 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट सम करते हैं, 6480 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार से बांटी जाती है कि A का 6 गुना B के 4 गुने हिस्से के और C के 3 गुने हिस्से के बराबर है, तो C को कितना हिस्सा मिला, तो देखते हैं भाई C को कितना हिस्सा मिला। देखिए A का 6 गुना B का 4 गुना और C का 3 गुना बराबर है, तो मैं क्या है डायरेक्ट रेशो निकाल लेता हूँ। डायरेक्ट रेशो कैसे निकालूंगा, देखिए मैंने A का रेशो निकालना होगा तो मैं A को छोड़ दूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 4 × 12, ठीक है।
फिर मैंने बी का निकालना होगा तो बी को छोड़ दूंगा, ए और सी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 * 3 कितना हो जाएगा 18। अगर मेरे को सी का रेशियो निकालना होगा तो सी को छोड़ दूंगा, ए और बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 * 24। क्या ये रेशियो कटते हैं? हाँ कटते हैं। किससे कटते हैं? 6 से ही कटते हैं, 6 * 2 = 12, 6 * 3 = 18, 6 * 4 = 24। तो मेरे पास ये आ गया, तो 4 * 3 = 7 और 2 = 9, टोटल राशि कितनी है? 6480। तो 6480 अपॉन 9, पूछा किसका है? सी का हिस्सा। सी कितना हमारे पास? 4। तो इसको आप करोगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2880 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक हो जाएगा भाई इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नाव धारा में से हर बार सवाल पूछा गया है, तो ये चैप्टर आप कर सकते हैं। एक नाव 4 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जिसको हम अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल जिसको हम डाउनस्ट्रीम जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति आवर है तो डाउनस्ट्रीम दिशा में नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति आवर होगी? तो देखिए किस प्रकार से इस सवाल को हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जब कभी भी डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम का मतलब तो होता है x + y और अपस्ट्रीम का मतलब होता है x - y। ऐसा क्यों? पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये पहाड़ है और ये पानी आ रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? नीचे की तरफ पानी स्पीड से आएगा ना, तो इसलिए क्या है, धारा, एक तो धारा की स्पीड हो गई, एक उसकी गति हो गई, वो दोनों ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए डाउनस्ट्रीम हो जाता है x + y। अब बात है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में x - y क्यों करते हैं? अब यहाँ पे देखो पहाड़ से नीचे की तरफ पानी आ रहा है और आपकी किश्ती ऊपर की तरफ जा रही है, तो माइनस ही तो होगा क्योंकि इसका दबाव लगेगा तो इसका, तो धीरे धीरे जाएगी, तो इसलिए हम अपस्ट्रीम को x - y करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में उसने कितने दिया, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मैंने क्या बताया, x - y, तो मैं लिख सकता हूँ 15 x - y, y मेरे को पता है कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने लिख लिया, प्लस डाउनस्ट्रीम अभी बताया मैंने, प्लस हो जाता है तो x + y, तो y मेरे को पता ही है कितना है, धारा कितनी है मेरे पास, 3 है, ये किसके बराबर है, 4 घंटे के बराबर है। तो मैं x की जगह क्या रखूं कि मेरा राइट 4 के बराबर आ जाए, x की जगह क्या रखूं कि 4 के बराबर आ जाए, तो मैंने देखा x की जगह 9 रखने पर, तो 9 रखने पर देखिए मैंने यहाँ पर x की जगह 9 रख दिया, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 को हम 15 से भाग करेंगे तो कितना हो जाता है, 2.5, प्लस यहाँ पर मैंने कितना किया, 9 रखा, तो 12 को 18 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1.5, ये इक्वल हो गया, बिल्कुल हो गया, 2.5 और 1.5 किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। तो अब देखो उसने पूछा क्या हुआ है, उसने पूछा हुआ है तो डाउनस्ट्रीम दिशा में नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति आवर है। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या है, मैंने अभी बताया x + y होता है डाउनस्ट्रीम, और x क्या रखा हमने, 9 रखा, तो x + y होता है, तो x क्या है, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर वाई इसको बोलता ना, इसको सोल्व कीजिए, तो तब तो आता हमारा राइट आंसर, पर उसने डायरेक्ट अलग पूछ लिया, डाउनस्ट्रीम पूछा उसने ओनली, तो डाउनस्ट्रीम क्या होता हमारा, x + y होता है, या फिर यहाँ भी बता सकते हो आप 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 देखते हैं, हाँ 12 जो है इसका डी ऑप्शन जो है 12 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने बताना है, इसको सोल्व करना है 12 वाले सवाल को, तो देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं। आसान ही है, 0.8 जिसके ऊपर बार होता है उसको वही 3-4 बार लिख लो, तो मैंने ये नंबर लिख दिए। फिर है नेक्स्ट नंबर 0.546 के ऊपर बार है, तो 4-6 को ही क्या मैं रिपीट कर लेता हूँ, इसको क्या करना है, माइनस, 9 में से 6 गए कितने बच गए, 3, 5, 3, 5, आगे क्या बच गया, 3, 5, और 8 में से 5 गया कितना बच गया, 3। ठीक है, तो इसी प्रकार ये संख्या चलती जाती है। फिर आगे उसने क्या बताया, एक और लेस करना है, कौन सा नंबर आगे करना है मेरे को, 0.12 के ऊपर बार है, तो 1212
1 2, फिर है 1 2 और फिर है 1 2। तो इसी प्रकार से आप इसको भी माइनस करोगे तो 3 में से 1 गया भाई 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो इसी प्रकार हमारा कितना आ गया, 2 3 के ऊपर 12 आ जाएगा, क्योंकि बार बार 2 3 ही नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 12 का सवाल भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 12 और 3 के मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात के बीच का अंतर बताइए क्या होता है। तो ये रेशो का है, करवा भी रखा है मैंने पहले भी। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम मध्य समानुपात बोलते हैं, मीन या फिर सेकंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, या मीन या मध्य अनुपात समानुपात बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाई, मीन का तो होता है √AB। तो √AB क्या हो जाएगा, 12 × 3 कितना होता है, 36, और 36 का रूट क्या हो गया, 6। और तृतीय समानुपात, थर्ड समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, B² / A, और B क्या है मेरा 3 है, 3² / A क्या है मेरा 12। तो ये कितना आ गया, 9/12। अगर इसको कट करूँगा तो 3 3 9 और 3/4 आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या भाई, बीच का अंतर डिफरेंस बताइए इन दोनों का। तो अब हम क्या है, डिफरेंस कर देंगे, 6 − 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। एलसीएम कितना आ गया, 4, ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 3, और 24 में से 3 गया 21/4, और आप 21/4 को भाग करोगे, कट करोगे, तो कितना आ जाएगा, 5.25, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मीन और थर्ड ही पूछता है ज़्यादातर आपका, तो मैंने ये आपको बता दिया। यहाँ पर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि इन दोनों का मध्य समानुपात बताइए, या ये भी पूछ सकता था यहाँ का तृतीय समानुपात बताइए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप कुछ भी बता सकते हो। अगला सम देखते हैं भाई, इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व कैसे करें, एक तो था मैंने पिछली वीडियो में बताया, अंकों के बेस पर सोल्व कर सकते हो। कई बच्चों को क्या हुआ, अंकों के बेस पर क्या है, उनको करना नहीं आ रहा है कि क्या लें या क्या नहीं लें, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है और कई बार क्वेश्चन किए नहीं है, क्योंकि पेपर के अंतर्गत एक क्वेश्चन से नहीं होगा उनको। तो मैं इसका देखिए फॉर्मूले भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं भाई। सबसे पहली बात तो ऊपर तो ऐसे ही रहने देता हूँ, मैंने नीचे देखा भाई, a + b² - a - b² ये किसके बराबर होता है। देखिए 4ab का फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, 4ab, a + b² - a - b² ये 4ab होता है। तो नीचे क्या हो गया, 4ab हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, 529 × 471 अपॉन में 4ab, 4ab 529 × 471। अगर मैंने इनका पॉइंट हटाया है तो कितना हो जाएगा, 10 इसका और 10 इसका, तो 10 × 10। ठीक है, ये मैंने पॉइंट हटाए हैं, 529 से 529 का, 471 से 471 का, 10 2 कितना हो गया, 100, और 100 × 4 कितना हो गया, 400। तो ऊपर क्या बच गया, 1, तो कितना आ गया, 1/400 आ गया। और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.0025 हमारा क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। तो ए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना था किसके बराबर होता है, तो 4ab के क्या है, ये इक्वल होता है भाई। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनका योग 276 है। यदि दोनों संख्याएं 3 अंकीय संख्या हैं तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। क्या बोला उसने कि जो दो संख्या है ना वो 3 अंकों की होने चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर देंगे। देखिए सबसे पहली बात तो दो संख्याएं हैं x + y और उनका योग कितना है, 276 है। तो x + y की वैल्यू क्या आ गई, x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो वो संख्या क्या है हमारी, 3 अंकों की होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, कर देंगे। देखिए x + y की वैल्यू कितनी आई है, 12, तो 23 × 7 कितना हो गया, 161,
और 23 इंटू 5 कितना हो गया, 115। देखिए इनका योग भी कितना आ गया, 276 आ गया। संख्या भी कितनी हो गई x प्लस वाई, 7 और 5 12, क्योंकि x प्लस वाई कितना आया था, 12 ही तो आया था, और इनका योग कितना आना चाहिए, 276। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल निकल गया। अब उसने क्या बोला है, उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, 1/161 हो जाएगा और 1/115 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12/805 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति गति से कुछ दूरी और x किलोमीटर प्रति हावर की गति से उतनी ही दूरी तय करता है, दूरी का तो पता नहीं ना, कुछ दूरी बोला है, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 48 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मान क्या होगा। तो कोई बात नहीं, x का मान बता देंगे। एवरेज स्पीड का तो सबको फॉर्मूला पता ही है ना, 2xy/x+y, ये फॉर्मूला तो शुरू से करते आ रहे हो। ठीक है, तो मैंने जो उसकी जो गति थी उसको मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो देखिए x मान लिया तो क्या बोला उसने, 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कुछ दूरी x मान ली, तो 2xy क्या हो गया हमारा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 60x। ठीक है, अपॉन x+y, x की वैल्यू मेरे को पता ही है 60, ये क्या है x मान रखी है और किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 120x इक्वल, मैं इनकी मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 48 × 60 और +48x, एक्स की इसके साथ करूँगा, इस तरफ आके एक्स माइनस का हो जाएगा। 120x में से 48x गया, कितना हो गया, 72x हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, या फिर 48 × 60 हमारा आ जाएगा। अब आप इसको कट करोगे तो आपके सामने राइट आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, यदि व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कुछ दूरी और x किलोमीटर प्रति आवर की, उसने x दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या था, 2xy था, तो 2x की वैल्यू कितनी, 60 किलोमीटर प्रति हावर की गति से, और दूसरी x किलोमीटर प्रति हावर की गति से, मेरे को दूरी नहीं पता तो x। ठीक है, यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत 48 किलोमीटर है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत कितनी है, 48 किलोमीटर है। दूसरा उसने क्या बोला, और दूसरी ओर x किलोमीटर प्रति हावर की गति से उतनी ही दूरी, कितनी दूरी मेरे को नहीं पता कितनी दूरी, तो x 60+x। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये आपने सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट सम देखते हैं, अगला सम क्या है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। देखिए टोटल 60 छात्र हैं और उनका 40% लड़के हैं, 60 का 40% कितना होता है, 24 होता है, इसका मतलब 24 लड़के हैं भाई, और 24 लड़कों का औसत अंक कितना है, 65 है, इनका औसत अंक 65 है, तो कितना आ जाएगा, 1560 आ जाएगा। अब देखिए टोटल 60 छात्र थे, उनमें से 24 तो लड़के हो गए, तो लड़की कितनी बच गई, तो एक नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए बाद में इसने पूछा है लड़कियों का औसत, बाद में बताएंगे, उससे पहले उसने क्या बोला, पूरी कक्षा का औसत अंक, पूरी कक्षा कितनी थी, 60 छात्र की थी, और इनका औसत अंक कितना है, 69.2 है, देखो ये दे रखा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4152 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2592 आ गया, और इसमें से मैं टोटल में से बॉय घटा दूंगा तो लड़कियां आ जाएंगी, लड़की कितनी आ गई, 36, इसको भाग करोगे तो कितना आ गया, 72 आ गया। तो लड़कियों का औसत अंक कितना हो जाएगा, 72, लड़कियों का औसत अंक कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को निकाल सकते हैं, बड़ा ईजी था। नेक्स्ट है, एक गोले की त्रिज्या 40% कम कर दी जाती है तो उसका जो परिमाण कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला है आप उसको याद रख सकते हो, 2x+x² / 100।
तो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, जो कम या ज़्यादा कर रखी हो, तो 2 40% कम कर रखी है तो -40 प्लस -40 इंटू -40 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 80 प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 16 और -64% की क्या है कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 64% कम हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के लिए 7200 पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25.92 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई एक तो देखिए, पहले मैं बेसिक बताता हूँ किस प्रकार से, अगर फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे तो बेसिक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैं ऑप्शन उठाऊंगा और 7200 का क्या है 2 वर्ष के लिए परसेंट रेट लेकर एक बार चक्रवर्ती ब्याज निकाल लूँ और साधारण ब्याज, अगर जोन से भी मैंने रेट ऑप्शन उठाने के बाद अंतर ये आ जाएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला है, सॉरी बेसिक है, और दूसरा आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कैसे, रूट एक्स प्लस पी इंटू सो, ये डायरेक्ट है जब कभी भी डिफरेंस दे रखा हो किसका, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। तो देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्या इक्वेशन दी है हमको, रूट 25.92 ठीक है, और 7200 पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 ठीक है। अब आप इनको कट करोगे इनटू में 100, अब आप इनको कट करोगे तो कट करने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, ऊपर बच जाएगा भाई 6/100 इनटू कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो 6% हमारी क्या है रेट आ जाएगी। अब काफ़ी बच्चों को होगा ये कैसे निकाला, आप करके भी देख सकते हो या कट करके भी देख सकते हो, कट करके बताऊं तो बता देता हूं। देखिए भाई 2592 अपॉन 7200 इंटू 100, देखिए ये कितने पे जाएगा, पहले मैंने क्या किया 2 पे ही कट किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 छिक 12, इसको कट किया कितने पे गया 3600 पे गया, फिर मैंने क्या किया इसको 6 पे कट किया, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 छिक 36 और ये कितना आ गया 600, फिर मैंने देखा 6 पे फिर जा रहा है 6 3 18 और 6 छिक 36 और 6 एकम 6 और 0 की 0 ठीक है। तो कितना बच गया ऊपर, रूट 36 अपॉन 100 इंटू 100 क्या लिख सकता हूँ 10,000 लिख लूँ ठीक है। 36 किसका रूट होता है भाई आप सभी को पता, 6 का, और 10,000 किसका हो जाएगा 100, तो इनटू में क्या था 100, तो ये इस प्रकार से हमारा राइट हो जाएगा। तो एक सिंपल चीज़ बताई, इसमें थोड़ा हा पॉइंट में था इसलिए लंबा लग गया, नहीं तो आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं जब कभी भी दिया हो एक्स अपॉन पी इंटू 100, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं ठीक है भाई। नेक्स्ट है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 36% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत छोटी है, 2 संख्या बोली तीसरी से कितने, देखिए तीसरी संख्या मान ली मैंने 100, एक तो उससे कम कितनी है, उससे कम कितनी बताई भाई 36% कम बताई तो 64 हो गया, और फिर क्या है 28% कम बताई तो कितना हो गया 72 हो गया। तो उसने बोला दूसरी संख्या जो है पहली से कितनी कम है, तो कितनी कम है 8 कम है, किससे 72 से इंटू 100, तो आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके सामने 8 नहीं 72 आ जाएगा, तो 100/9 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर है, तो 100/9% ये हमारा क्या है राइट आंसर है भाई ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है, ए बी और सी की कार्य क्षमता 4:3:7 के अनुपात में है, वे एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेले बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो बिल्कुल आसान है। देखिए इनका रेशो टोटल कितना हो गया, ए बी सी का रेशो कितना है 4:3:7, 7 × 3 = 10, 14, मतलब कि ये एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं 14 काम करते हैं, और ये कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं 12 दिन में करते हैं, तो तीनों 12 दिन में टोटल कितना वर्क करते हैं तो 168 वर्क है, और 168 वर्क को उसने क्या बोला है अगर अकेले बी करे, अकेले बी करे, बी कितना करता है 3 करता है, तो कितने दिन में कर देगा 3×5=15 और 3×6=18 तो 56 दिन में कर देगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 56 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई।
नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या दिया उसने, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए 22,000 में से घटाया जाना चाहिए। तो ये बेसिक मेथड तो कल बताया था, इस प्रकार से आप कर सकते हो 22,000 लेके। दूसरा आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, कैसे 22,000 के पास कौन सा क्यूब होगा। हमने देखा भाई जो 2 का क्यूब है, सॉरी 20 का क्यूब है वह तो नहीं होगा, वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। 25 का क्यूब भी जो है कम हुआ। हमने देखा जो 28 का क्यूब है वह कितना हो जाता है, 21,952 होता है। 28 का क्यूब क्या है, 21,952 हो जाता है। रूस ने कितना दिया, 22,000, तो 22,000 ये दिया, इसमें से लेस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 48। मतलब कि अगर मैं 22,000 में से 48 को लेस कर दूंगा तो क्या है, क्यूब आ जाएगा उसका, पूर्ण घन बन जाएगा भाई, ठीक है, 48 नंबर घटाने से। तो उसने क्या बोला, उस संख्या के अंकों का योग, तो 8 और 4 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे सर अब ऐसे कैसे सोचें, हम पेपर में इतना कैसे सोचें। देखिए भाई इतना इसलिए सोचें कि हमको क्या है, 20 का तो आसानी से पता होता है, 30 का ही पता होता है। जब मैंने 30 का देखा तो 30 का क्या है, मेरा ज़्यादा जा रहा था, तो और 20 का देखा तो 20 काफ़ी कम हो रहा था। तो एक सिंपल सी बात है, 20 और 30 के बीच में है, तो डायरेक्ट मैंने 25 का उठा के देखा, 25 का कम था, तो डायरेक्ट फिर इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट है, दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 आदमी किसी काम की 4 इकाई को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 8 घंटे काम करने वाले 12 आदमी, ठीक है, 4 इकाई को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर उसने बोला 6 घंटे काम करने वाले 15 आदमी 9 इकाई को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। इसको अब कट कर लो भाई, 6 दूनी 12, फिर क्या है, 4 पंजे 20, 5 तीये 15, 3 तीया 9, 8 दूनी 16 और 16 तीये 48, तो कितने दिन में कर देंगे, 48 दिन में कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है हमारा 48 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 6,750 है और उसे 15% और x प्रतिशत के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य बिक्री मूल्य 4,590 है तो x का मान क्या है। देखिए एक तो मेथड ये है, आप इस प्रकार से कर सकते हो जो आपके दिमाग में चल रहा है। क्या दिमाग में चल रहा है कि 6,750 का पहले 15% कर लूँगा, ठीक है, फिर 15% आने के बाद जो भी आएगा उसको, जितना भी आएगा वो इसमें से कम करके फिर मैं इन ऑप्शन को उठा लूँगा और इन ऑप्शन में से जो भी पुट होने के बाद 4,590 आ जाएगा, क्या है वह मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, फिर बताता हूँ ये मेथड क्या है, 6,750 का 15% किया, ये जो भी आया, ये जो भी आया इसको मैं मान लेता हूँ एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, तो एक्स आने के बाद इन ऑप्शन में से जो भी उठाऊँगा, कोई भी ऑप्शन उठाया, मान लीजिए 20% उठाया और ये कितना आ गया, ये करने के बाद 4,590 आ गया, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना नंबर बचना चाहिए, 4,590 बचना चाहिए। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मैं बताता हूँ जिसमें आपको ऑप्शन उठाने की जरूरत नहीं है, कितनी राशि है, 6,750 की राशि है इनटू 15% की छूट देता, 100 में से 15% की छूट दिया, कितना हो गया, 85/100 हो गया। एक उसने दिया x प्रतिशत की छूट देता है, अब भाई x प्रतिशत की छूट देता है, x की वैल्यू नहीं पता, तो मैं 100 माइनस एक्स मान लेता हूँ, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 4,590 के बराबर है, ये किसके बराबर है, 4,590 के बराबर है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इस तरफ तो बचेगा 100 माइनस एक्स और उस तरफ कितना हो जाएगा, 80, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड ये हो जाएगा आपका। अब आपको जो सा अच्छा लगता है वो कर सकते हो, इसमें थोड़े नंबर बड़े दिए थे तो इसलिए यहाँ पर आपको बड़ा लग रहा होगा, अन्यथा छोटे नंबर देगा तो मिनट में हो जाएगा, बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो भी कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा आप प्रतिशत के बेस पर भी उठा सकते हो, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या, जो डिफरेंस आया
फिर 15% और 8% का जो होने के बाद इन ऑप्शन में से एक्स की जगह जो वैल्यू उठाओगे वही आ जाएगा, इसको भी फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है वही कर सकते हो। अब आते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में क्या दिया है, आयु एज दे दी, ये उसने आयु एज दे दी, देख लिया आपने। फिर निवासियों की संख्या दे दी, ये आपने देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि निवासियों की माध्य आयु क्या है, मतलब कि मीन बताइए। तो मैंने क्या है, अब यहाँ पर मैं करवा नहीं रहा हूँ सॉल्यूशन, डायरेक्ट मैंने क्या है कॉपी में करके आपके सामने फोटो दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैंने एज लिख ली जो उसने दे रखी थी, ये मैंने एज लिख ली 0 15 0 15 15 30 30 45 45 60, ये उसने दे रखी थी, देखिए ये दे रखी एज 0 15। और निवासियों की संख्या लिख ली एफ जो है, ये मैंने निवासियों की संख्या लिख ली, ये मैंने एज लिख ली। फिर मेरे को क्या है एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा, इन को दोनों को जोड़कर दो से भाग कर दूंगा, इन दोनों को जोड़कर दो से भाग कर दूंगा, इन दोनों को जोड़कर दो से भाग कर दूंगा, ये मेरा निकलेगा एक्स। जैसे कि 0 और 15 कितना हो गया 15, 15 को दो से भाग किया 7.5, 15 और 30 कितना हो गया 45, 45 को दो से भाग किया 22.5, ये आ गया हमारा एक्स। फिर मैंने निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकलेगा, ये मेरे पास एफ की वैल्यू रही, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू रही, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ एक्स क्या है मेरा निकलाएगा। तो ये मैंने एफ एक्स निकाल दिया, ये एफ एक्स आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टोटल एफ एक्स जोड़ लिया, कितना आ गया 11,550। और जो उसने मेरे पास एफ की वैल्यू दे रखी थी वह टोटल कितनी आ गई 300। उसने क्या पूछा है मीन बताइए, तो इस 11,550 को 300 से भाग करोगे तो हमारा मीन आ जाएगा। 11,550 को 300 से भाग करोगे तो 38.5 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा 38.5 जो है राइट आंसर आ गया। एक तो ग्राफ का ये क्वेश्चन था सोल्व हो गया, ठीक है भाई। तो और दूसरा उसने क्या पूछा, दूसरा उसने पूछा पाई चार्ट तैयार किया जाता है तो 45 से 60 आयु के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम पूरी डिग्री में क्या होगा। 45 से 60 पूछा है तो 45 से 60 के बीच में देखिए कितना है, देखिए 45 से 60 ये है तो ये कितना है 60 है, ठीक है। टोटल कितना है 300 है, इनटू में केंद्रीय डिग्री कोण कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो इसको आप कट करोगे, कट करोगे 3 × 6 तो 36 × कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। 300 क्या है देखिए, ये रहा टोटल, 45 से 60 के बीच में पूछा कितना रहा 60, टोटल कितना रहा 300, डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 360, तो कितना आ गया 72 डिग्री। तो इसका राइट आंसर 72 आना चाहिए, हाँ ये रहा 72 हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से इन पेपर के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिस बच्चे ने पहले वाले सॉल्यूशन नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और भाई कोई भी डाउट वगैरह है तो आपको कमेंट्स के अंतर्गत भी इंस्टाग्राम का और जो फेसबुक पेज का है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे तो कोई भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर की सॉल्यूशन के लिए। धन्यवाद।